तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं मार्केट का एनालिसिस। और बैंक निफ्टी लगातार 9वें दिन ग्रीन में बंद हुआ है। यस, 9th डे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला पार्ट देखो, पूरा 9 दिन ग्रीन बंद हुआ है। तो अब क्या करें, राइट? क्या अब और अपसाइड बाकी है कि डाउनसाइड बाकी है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, सिंपली देख लेते हैं कि हमारी जो ट्रेंड लाइन नीचे से चलती आ रही है, यहाँ से ये देखो, ये हमारी ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, और ये हमारा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बन गया है 38,500 का, राइट? मैंने आप लोगों को कल क्या कहा था कि ये एक तो ये ट्रेंड लाइन मेंटेन रहनी चाहिए, ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा तो ही हम शॉर्ट करेंगे, और ऊपर ये 38,500 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो मैं एक एडिशनल बता दूं, मेरी पोजीशन, मैंने सुबह सुबह देखा कि मार्केट यहाँ पर गैप अप तो खुला है, तो मैंने क्या किया, 40-50 पॉइंट का एसएल लेके मैंने ये पूरी 2 कैंडल सुबह मॉर्निंग में मैंने स्पेशली पर्सनल पोजीशन में पकड़ ली, राइट? प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो हमारे नीचे टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एनालिसिस कल का, कि कल का क्या रहेगा, कि और अपसाइड बाकी है कि नहीं बाकी है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ले लिया। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बोला था कि 1 2 और यहाँ पर 3, मैं पहले यहाँ पे नीचे सपोर्ट बना देता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर हम आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की बात है। यहाँ पे क्या हुआ, कितनी बार ट्राई हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 टाइम्स अटेम्प्ट कर चुका है, और अगर ये मॉर्निंग का भी कैलकुलेट करूँ तो 4 बार। तो इसका मतलब क्या है, 38,500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अब क्या, तो ब्रेकआउट आएगा 38,500 के ऊपर अगर कल गैप अप खुलता है, राइट? पहली कंडीशन क्या, गैप अप खुलता है 38,500 के ऊपर। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि अगर पहली 15 मिनट, यहाँ पे देखो मैं कैंडल स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है? अगर पहली 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन करती है 38,500 की, तो हमें यहाँ से 500 पॉइंट्स की रैली देखने मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये वाले पार्ट के पीछे, मतलब 38,500 और 38,300 के बीच में, तो ठीक है, तो ठीक है। लेकिन अगर कल सपोज करो मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, लेट सपोज 38,300 के नीचे खुलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट अटेम्प्ट करेंगे। पुट अटेम्प्ट करेंगे कहाँ तक के लिए, 38,100 और 38,000 के लिए हम लोग पुट अटेम्प्ट करेंगे। अगर मार्केट 38,300 के नीचे खुलता है, आप अपनी ट्रेंड लाइन ये बना के रखिए, सिर्फ ट्रेंड लाइन के पे भी खेलेंगे तो भी आपको ईजिली यहाँ पर प्रॉफिट देखने मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट खुलने पर क्या है, हमें देखना है कि पहली कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल है, वो कहाँ पर जाती है। अगर 38,500 अगर सस्टेन नहीं करती, तो आप यहाँ पे पुट ले सकते हैं। पुट के बाद हमें यहाँ पर इजीली 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे इजीली बैंक निफ्टी पे, राइट? अगर गैप अगर ये ऊपर की तरफ जाती है, तो हमें ऊपर जाना है, कॉल लेना है 38,500 के। अगर लेकिन 38,300 के नीचे जाता है, तो हमें पुट लेना है, और एल्स नहीं तो मार्केट यहाँ पे वापस से एक कंसोलिडेटिंग रेंज में यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है? ये चीज पसंद आई होगी, ट्रेंड लाइन को बना लेना। ट्रेंड लाइन को बना ली है तो चैनल पे भी यहाँ पर लाइक कर देना। कंसिक्यूटिव 5 डेज हमारे में भी 100 लाइक्स पर वीडियो आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सो इसमें भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 पे भी क्या है, एक ट्रेंड लाइन अच्छी खासी बनी आ रही है, राइट? नीचे से कंटिन्यूस बनी आ रही है। यहां से देखो, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन देखोगे, राइट, ये देखो, यहां से ये ट्रेंड लाइन बनी आ रही है। तो ट्रेंड लाइन जब तक ये ब्रेक नहीं करती, तब तक हमें यहाँ पे शॉर्ट करने की राय नहीं है। निफ्टी अभी भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है? यहाँ पे क्लियर कट देखो, ये 18,000, राइट? 18,000 तक मार्केट ने डिप दिया, लेकिन ट्रेंड लाइन के 18,000 है। यहाँ पर भी देखो, ये 18,000 पे ही काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन है। इसका मतलब क्या है, 18,000 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हम तब तक सेल नहीं करेंगे जब तक 18,000 ब्रेक नहीं होगा, मोर और लेस। यहाँ पे देखो 18,080 यहाँ पे भी गया है मल्टीपल टाइम। यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये एक कैंडल है और यहाँ पे ये दूसरी कैंडल है, 2 कैंडल बन चुकी है। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, और जो अभी इंडिकेशंस आ रहे हैं कि मार्केट गैप अप खुलेगा, तो राइट, तो अब हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? अगर मार्केट सपोज करो गैप अप खुलता है 18,150, तो क्या मैं यहाँ पर बाय करूंगा? नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बाय नहीं करूंगा। मैं क्या वेट करूंगा मार्केट को, अगर गैप अप खुलता है तो वो गैप फिल करे। अगर गैप फिल करता है, तो गैप फिलिंग के बाद अगर जब मार्केट भागेगा, तो हमें यहां से 200-300 पॉइंट्स की यहां पे इजीली रैली यहां पर देखने मिलेगी। बट गैप अप में मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं मार्केट को रिट्रेस होने दूंगा। लेकिन व्हाट्स अपोज के अगर गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है 18,000 के आसपास, ये वाले लेवल के आसपास, 18,000 के लेवल, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है मेरी चार्टिंग में, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो मैं 18,000, तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे, हार्डली मेरे को यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स का प्रीमियम मेरे को गेन मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, तो राइट,
सीधी सी बात है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, जैसे ही ब्रेक होगी आप लेवल याद रख लो 1850, 1850 यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक है। मैं आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ 1840 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। 1840 के नीचे जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी हम यहाँ पे पुट ले लेंगे, और अगर 1880 के ऊपर जाता है तो हम कॉल ले लेंगे। वो वाली ये वाली जो रेंज है बीच की, बीच वाली रेंज में हम यहाँ पर ट्रेड करना अवॉइड करेंगे निफ्टी 50 में, राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाएगा, हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा इसकी वजह से। ये भी पसंद आया होगा, चैनल पे लाइक करें, पहली बार आया तो सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे देख लेते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि एक इसलिए अच्छा दिख रहा है क्योंकि ये अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आ चुका है, और इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास यहाँ पर क्लोजिंग भी दे दी है, राइट। अगर कल को ये गैप अप खुलता है, राइट, लेट सपोज कि गैप अप खुलता है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे अपना काफी काफी बार मल्टीपल टाइम्स पे ये सपोर्ट पे आ चुका है। तो अगर ये कल गैप अब ये सस्टेन करता है 650, अगर ये सस्टेन करता है तो ये वापस से हमें बाउंस बैक देखता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये हल्का सा भी ब्रेक देता, अगर ये पहली कैंडल इसकी 645 के नीचे आसपास आती है, राइट, मैं आपके लिए लेवल्स भी बना देता हूँ, अगर ये ब्रेक होता हुआ दिखता है, ठीक है, सिर्फ अगर 645 भी ब्रेक होता है तो हमें ये लेवल 623 और ये 600 के लेवल हमें वापस से देखने मिलेंगे। बट यहाँ से बाय करने की ज़्यादा चांसेस हैं, और जेएसडब्ल्यू काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो अपने पोर्टफोलियो में भी यहाँ पर रख सकते हैं, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि हमें कल क्या करना है। और ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइए, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट है तो मेरे साथ वन ऑन वन करें, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा ऑन जस्ट वन मैसेज। तो वो ऐसी गाइडेंस मिस ना करे, और आप लोगों के लिए बहुत जल्दी एक न्यू ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है। तो चलिए इसी के साथ आज का एनालिसिस, थैंक यू। कोई भी डाउट है कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू।